हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बाद किस तरह की एक्सरसाइजेज लोगों को परमिट करनी चाहिए और उसमें क्या क्या टिप्स है, क्या क्या चीज़ों का पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से उनको दिक्कत आ सकती है, क्या क्या चीज़ों से दिक्कत नहीं आ सकती, ये काफ़ी लोग पूछेंगे। ज़्यादातर लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि साहब इतनी बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, इसके बाद तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब इसके बाद हम कोई भारी काम नहीं कर पाएंगे, इसके बाद हम कोई वज़न नहीं उठा पाएंगे, इसके बाद हम कभी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकेंगे, हमारा लाइफ का पैटर्न या लाइफस्टाइल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कॉमन कंसर्न ज़्यादातर लोगों को रहते हैं। देखिए, बाईपास सर्जरी के बाद भी आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यूजली सर्जिकल स्कार को भरने में और बाईपास सर्जरी से रिलेटेड जो सर्जिकल स्कार रिलेटेड पेन वगैरह भी होता है उसको जाने में ज़्यादातर 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है और उसके बाद फिर पेशेंट की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी हो जाती है। तो इसलिए बाईपास सर्जरी से जो लोग डील करते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेशेंट्स की लाइफ ख़राब हो जाएगी, वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपाहिज जैसे हो जाएंगे और बेडरिडन हो जाएंगे, कभी अपना नॉर्मल रूटीन या अपना नॉर्मल वर्क नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप अपना नॉर्मल काम भी 15-20 दिन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, थोड़ा बहुत तरीके का हैवी वर्क भी कर सकते हैं, बहुत हैवी इनिशियली तो नहीं एटलीस्ट मैं कहूँगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज से संबंधित क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि देखिए, बाईपास सर्जरी के बाद आप लगभग 5 से 7 दिन में डिस्चार्ज होंगे, सेकेंड थर्ड डे आप आईसीयू से शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप आईसीयू से शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका एम्बुलेशन उसी टाइम से चालू हो जानी चाहिए, थोड़ा बहुत आपका चलना फिरना उसी टाइम से चालू हो जाना चाहिए। कई लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि बाईपास सर्जरी हो तो गई लेकिन अभी 4 दिन तक 5 दिन तक 10 दिन तक वो, क्योंकि बड़ी सर्जरी है, खासकर क्योंकि वीनस ग्राफ्ट लिया जाता है पाँव में से, तो चलने में वैसे भी थोड़ी तकलीफ होती है, चलने में पाँव में थोड़ा पेन होगा क्योंकि घाव है इतना बड़ा, वो चलना अवॉइड करते हैं। पर ऐसा अगर वो अवॉइड करेंगे तो क्या है, पाँव की जो नली में क्लॉट अगर बन जाए जिसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, तो इसमें कई बार जान का खतरा हो जाता है और ये ज़्यादातर ऑपरेशन के 5-10 दिन 10 दिन के अंदर ही ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसका रिस्क रहता है। तो अगर आपको ये बन जाएगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, इसलिए बने जितना जल्दी आपको एम्बुलेशन चालू करना पड़ेगा, आपको चलना फिरना चालू करना पड़ेगा। अगर आप चलना फिरना चालू नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए आपको सेकेंड थर्ड डे से ही थोड़ा थोड़ा चलना चालू करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको धीरे धीरे करके रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज चालू करनी पड़ेगी। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज में आपको कितना आपका हार्ट का पंप फंक्शन है, कितना आपका पंपिंग कैपेसिटी है, कितनी आपकी कंडीशन ख़राब है अच्छी है, उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दिया जाता है जिसके बेसिस पे धीरे धीरे करके आप उसको वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपकी अपनी इंडिविजुअलाइज कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाता है। इंडिया में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में क्या है, रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स नहीं है। इवन जहाँ सेंटर्स में बाईपास सर्जरी वगैरह भी होती है वहाँ पर भी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स क्या है अपने पेशेंट्स को जितना बता देते हैं पेशेंट उसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहता है। पेशेंट अपने डॉक्टर से ही पूछ लेता है कि सर सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं, पैदल चल सकते हैं कि नहीं, वजन उठा सकते हैं कि नहीं, बच्चे को गोद में ले सकते हैं कि नहीं, तो 5-10 जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस उन्हें लगते हैं वो पूछ लेते हैं। लेकिन प्रॉपर रिहैबिलिटेशन में कितना हार्ट रेट होना चाहिए, कितना उनका टारगेट रहना चाहिए, किस तरह से वो रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, कितना अग्रेसिवली रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, कौन से पेशेंट है जो बहुत जल्दी अपने नॉर्मल एफर्ट टॉलरेंस में जा सकते हैं, कौन से पेशेंट को सालों में धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है वो उतना अभी एप्लीकेबल नहीं है, उतना ज़्यादा अवेलेबल फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए लोगों को दिक्कत ज़्यादा आती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादातर सेंटर्स में प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स शायद बने। फॉरेन कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है, वहाँ पर स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, चेस्ट पेन रिहैबिलिटेशन, सर्जरी रिहैबिलिटेशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के अलग अलग सेंटर्स होते हैं जहाँ एक्सपर्ट्स और मे बी नर्सेज आपको इसी तरह की बातें करती है, इसी तरह की ट्रेनिंग देती है कि आपको रिहैबिलिटेशन में क्या करना है। अपने आप पे वो कॉन्सेप्ट अभी उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, पर अभी वो चीज़ों में अगर आपको सिटी में फैसिलिटी है कि अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पर प्रॉपर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है तो उनके साथ जुड़ने में आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग दे पाएंगे और आपके लिए इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दे पाएंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि आप वॉकिंग रेगुलर बेसिस पे करिए। सबसे इजी और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है और सबसे फ्री ऑफ चार्ज एक्सरसाइज ये है कि अपनी घर में कॉलोनी में वॉकिंग करने को जाइए। कई बार लोग का ऐसा रहता है कि घर के छत पे थोड़ा थोड़ा टहल रहे हैं,
मेरा वॉकिंग से पर्पस वो नहीं है कि आप छत पे थोड़ा सा टहल रहे हो, क्योंकि उससे आपका स्टैमिना नहीं बनेगा, उससे आपकी ताकत नहीं बनेगी। आपको ज़्यादा अग्रेसिवली वॉकिंग करना है, इनिशियली थोड़ा स्लो स्पीड में करना है, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी, उतना ज़्यादा आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, उतना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस आपको कम रहेगा। तो इसलिए रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपको ये भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि इनिशियल पीरियड में आपको थोड़ा स्लो स्पीड में चलना है, फिर थोड़ा फास्ट करना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और प्रेफरेबली घर के बाहर जाके चलने को प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप घर की छत पर अगर चलेंगे और 10-15-20 राउंड आपने कर लिए, धीरे धीरे अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, कली के साथ बातें करते करते आप 10 चक्कर मार भी लिए, तो वो एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी। एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रॉपर बाहर जाके डिस्टेंस टू डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पहले दिन आपने मान लीजिए वो डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रैवल किया, फिर आपको 7 दिन के बाद वो 25 मिनट में ट्रैवल करना है, फिर 7 दिन में वो 20 मिनट में करना है। ऐसे करके आपको अपनी धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ानी है या डिस्टेंस बढ़ाना है। कि पहले दिन आपने 20 मिनट चल के, पहले दिन जितना 30 मिनट में आप चले, आपने 2 किलोमीटर चले, फिर आपको 2.5 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, इस तरह से अपने टारगेट्स आपको धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं। तो आपका धीरे धीरे करके स्टैमिना बढ़ेगा। जब जहाँ आपकी सांस फूल जाए तो वहाँ आप रुक जाओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलना फिरना चालू करो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान आपको कोई सीवियर छाती में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, बहुत चक्कर अगर आ रहे हैं, या इस टाइप के अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज को रोक के अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हो सकती है, या तो बाईपास के ग्राफ्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या कि हार्ट फेलियर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको वर्कआउट करना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। उस समय अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत तकलीफ हो रही है, तो बहुत ओवर एग्जर्ट करने की प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपकी कंडीशन बिगड़ भी सकती है, आप सडनली अनकॉन्शियस भी हो सकते हो, सडनली हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी रिहैबिलिटेशन आप कर रहे हो उसमें अपने आप को बहुत ओवर टैक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें ये नहीं सोचना है यार मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं तो 5 किलोमीटर चल लूँगा, मैं तो 50 किलोमीटर चल लूँगा, मैं तो 4 घंटे तक वॉकिंग कर लूँगा। वैसा नहीं, आप धीरे धीरे करके बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी देखो, अपना स्टैमिना देखो, और फिर अगले दिन उससे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कीजिए। कुछ गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि ठंड के मौसम में होता है, या बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वैसे सिचुएशन में आप कोई शॉपिंग मॉल में या इस तरह की चीज़ जहाँ कवर्ड स्पेसेस हैं वहाँ पे चलने को जा सकते हैं, या अप्रोप्रिएट उस टाइम ऑफ द डे में जा सकते हैं जहाँ टेम्परेचर आपको अप्रोप्रिएट मिले। मान लीजिए सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो सुबह 4 बजे जाने के बदले आप 7-8 बजे के आसपास जा सकते हैं, जहाँ थोड़ी धूप निकल जाए, आपको थोड़ा सा प्रॉपर टेम्परेचर मिले। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अगर आप बहुत लो टेम्परेचर्स या बहुत हाई टेम्परेचर्स में जाते हैं, तो उसमें आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेयर्स कब चढ़ना चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप पहले कुछ दिनों में आप धीरे धीरे करके स्टेप्स चढ़ना चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टेप्स ना चले, और ऐसा नहीं है कि आपका घर अगर दूसरे माले पे है तो आप वहाँ बैठ जाए जाके और फिर कभी सीढ़ी ना उतरे 2 महीने तक, वैसा बिल्कुल मत करिए। धीरे धीरे करके स्टेप्स चढ़िए उतरिए, अपनी कैपेसिटी देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं, उस हिसाब से जज करिए और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। और इस रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को आपको 2 दिन में 50 सीढ़ी या 500 सीढ़ी चढ़ना है वैसा नहीं, आपको धीरे धीरे करके उसको लगभग 4 से 6 हफ्तों में अपनी नॉर्मल कैपेसिटी में आना है, कि वो सीढ़ी चढ़ने की स्पीड को बढ़ाना है। पहले थोड़े दिन आप थोड़ा स्लो चलिए, फिर थोड़ा फास्ट करिए। एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में बाईपास पेशेंट्स में थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन स्लोअर रहेगा, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में क्या अंदर स्टेंट डाला होता है आपका, अगर पंप फंक्शन ठीक है तो आपको कोई सर्जिकल स्कार्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पाँव में घाव वाव नहीं है, छाती में कोई घाव नहीं है, तो आपको टेंशन लेने के लिए कंपैरेटिवली कम इश्यूज है बाईपास में। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाईपास में आपको क्या घाव भरने में, पाँव का घाव जाने में, और सब चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो थोड़ा स्लोली उसको करें, एंजियोप्लास्टी पेशेंट के कंपैरिजन में तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स मत उठाइए। ज़्यादातर गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि 10 पाउंड यानी कि लगभग 4.5-5 किलो से ज़्यादा वेट पहले 6 हफ्ते में नहीं उठाना चाहिए। और चाहे इसमें बच्चे को उठाना है, चाहे ग्रोसरी का सामान उठाना है, चाहे सूटकेस उठाना है, चाहे लॉन में कोई सामान उठाना है, या लॉन में आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हो, मोइंग मशीन को मूव कर रहे हो, या फर्नीचर उठा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले 6 वीक्स में बाईपास के बाद अवॉइड करना चाहिए। बहुत हेवी काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा हार्ट के वुंड पर, पाँव के घाव पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको एरोबिक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इनिशियली लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस पहले 6 वीक्स में करिए, जैसे कि लाइट एरोबिक्स है, हाउस वर्क है, गार्डनिंग है, पहले 6 वीक्स में
उसको धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी घर का काम करने के लिए या स्ट्रेनोस गार्डनिंग करने के लिए आपको लगभग 6 वीक्स का वेट करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। अपने पालतू जानवर को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ बहुत ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके हार्ट को स्ट्रेस पड़ेगा एटलीस्ट 6 वीक्स में। उसके बाद आपकी कितनी पर्सनल कैपेसिटी है, कितना पंप फंक्शन है और कितना चलने पे आपको सांस फूल रहा है, इसके बेसिस पे आप अपनी स्पीड और कैपेसिटी को बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के सडनली आप ओवर अग्रेसिव एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है पहले कुछ दिनों में। हाँ, ये सारे रिस्ट्रिक्शन आपको लॉन्ग टर्म फॉलो करने हैं, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है। एक बार आपकी लाइफ धीरे धीरे करके नॉर्मल पे आ गए तो आप उस सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, अपने आप उन सब चीज़ों में अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सकते हो। पहले थोड़े दिन ही आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगा। और फाइनली ये है कि आप लगभग 3 से 6 महीने में आपका अगर बाईपास सर्जरी हुआ है तो आप अपनी ज़्यादातर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ज़्यादातर पहले जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे थे, स्पोर्ट्स कर रहे थे, अगर कोई इंडोर या आउटडोर गेम्स भी खेल रहे थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, मोटरसाइकिलिंग, ये सारी चीज़ें आप 3 महीने के बाद लगभग चालू कर सकते हो। हैवी हाउस होल्ड वर्क भी आप कर सकते हो, बाईसाइकिलिंग भी कर सकते हो, गार्डनिंग भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हो। 3 महीने के बाद ज़्यादातर चीज़ों को आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ कर सकते हैं, खासकर तब जब आपने ये सारी चीज़ों को पहले प्रॉपरली, जो थोड़ा लो लेवल पे जब आपको एक्टिवेशन किया गया था तो आपने उसको प्रॉपरली अगर मैनेज कर लिया बिना तकलीफ के, तो आप 3 महीने के बाद लगभग नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकते हो। जिन लोग का हार्ट फेलियर ज़्यादा है, पंप क्षमता ज़्यादा है, मल्टीपल ग्राफ्स लगे हैं, या जिनको थोड़ा भी चलने में सांस वास ज़्यादा फूल रही है, उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस 3 महीने के बदले में भी 6 महीने 8 महीने तक भी जा सकता है। हो सकता है वो लोग अपनी पूरी नॉर्मल कैपेसिटी तक ना भी पहुंच सके, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइजेशन होने का चांस है। आप उस प्रयास को या उस मेहनत को छोड़ मत दीजिए। आप ऐसा मत करिए कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा और मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, वैसा मत करिए। धीरे धीरे करके बढ़ाने का प्रयास कीजिए और इससे आपके हार्ट के में कोलैटरल्स खुलने में भी ज़्यादा मदद मिलेगी, हार्ट की पंपिंग सुधरने में भी ज़्यादा मदद मिलेगी और ओवरऑल आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी और लाइफस्टाइल काफ़ी बेटर होगा अगर आप रेगुलर बेस पे चीज़ों को करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बाईपास के बाद के रिहैबिलिटेशन प्रोसेस और एक्सरसाइज के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग ये सारा कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ब्रीफ या जिस्ट या समरी बता दो इन टॉपिक्स का, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर टॉपिक्स की हम इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बता देते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट हैं बहुत सारे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के सारे प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। आपके मतलब की जो बीमारी है उसके प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादातर रेलेवेंट वीडियो